हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कुमल्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं केसर फ्लेवर का श्रीखंड, जिससे बनाने के लिए चाहिए हमें। बनाने के लिए मैंने आधा किलो दही को एक कपड़े में ओवरनाइट उसे कपड़े में बांध के रखा था, तो उसका पानी पूरा निकल गया और ये अच्छे से थिक हो चुकी है हमारी। और इसमें हम 4 चम्मच शक्कर मिक्स करेंगे, ये पिसी हुई शक्कर है। और आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप मिक्स कर सकते हैं। ये मेरा पिसा हुआ शक्कर है और मैंने ये कुछ केसर को दूध में भिगो के रखा है और ये अच्छा सा फूल चुका है। इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से चलाना है कंटिन्यू, ताकि शक्कर और केसर दही में हमारी जो अंकुर दही है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छा सा एक केसर कलर इसके अंदर आ जाए। ये देखिए इसके केसर का कलर कितना अच्छा सा आ गया है हमारी। ये हमारे श्रीखंड कितना अच्छा सा और यम्मी सा दिख रहा है। ये आपको दिख रहे हैं केसर की पंखुड़ियाँ इसमें डली हुई हैं। इसे बनाने के लिए आधा किलो ही दही लगेगी और शक्कर भी हमेशा पीसे भी यूज करना है। ये हमारा श्रीखंड बन के तैयार हो गया है। मात्र 2 सामान से हमारा ये श्रीखंड तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है और गर्मियों में कुछ ठंडा खाने का भी करता है। तो आप एक दिन में ये इतनी अच्छी टेस्टी और हेल्दी डिश बना सकते हैं। आइए इसे डिश में डालते हैं। ये देखिए मेरा श्रीखंड बन के तैयार हो गया है। इसे आप अपने घर पे बनाइए और बताइए कैसा लगा। और कोमल्स किचन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँ।